अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है हीरो स्टोरी ऑफ लेजेंडरी इंडियन आर्मी सुबिंदर योगिंद्रा यादव। तो भाई साहब ऑलरेडी एक पार्ट कर चुके हैं इसका, इस वीडियो का, तो काफी भाई बोल रहे थे उसका दूसरा भी पार्ट लाओ, जब तक स्टोरी अधूरी रहेगी तो मजा नहीं आएगा। तो और भी आज कुछ चीजें सीखने को मिलेंगी। कॉर्नर करते हैं, 3-2-1 वीडियो स्टार्ट। उसको चलाने वाले नौजवान थे, उनको भी पत्थर लगे आकर के, तो एकदम से वो छोड़ करके ऐसे प्लेटून हवलदार इस तरफ बैठा हुआ था हमारा, एक हवलदार मदन उसकी तरफ भागे, तो उन्होंने बोला यार मर गए सर, मर गए मर गए। तो वो आज भी उनके वो शब्द मुझे आखिरी शब्द थे, आज भी याद ऐसे गूंजते हैं मेरे दिमाग के अंदर, क्योंकि उस LMG के जस्ट बाएं तरफ मैं बैठा था, मुझे आवाज़ दिया कि योगेंद्र बोला इस LMG को उठा करके फेंक, बोला दुनिया में आज कोई बचाने वाला नहीं है इस वेपन के सिवा, क्योंकि उसकी फायर पावर बहुत ज़्यादा थी, तो नज़दीक नहीं आ रहे थे दुश्मन उससे। जैसे मैं उसको LMG को ऐसे उसको पकड़ा और उसकी तरफ फेंक तो दिया, मेरी नज़र ऊपर की तरफ गई तो जिस पत्थर से मैं फायर करा उसी के ऊपर 7 पाकिस्तान के जवान खड़े थे। मैं कहा सर ये तो नज़दीक आ गए, बोला कहाँ पर ये खड़े हुए। वो जैसे ही आवाज़ सुनाई दी सीधा मेरे ऊपर ग्रेनेड फेंका उसने, तो जो मेरा नाम राशि था योगेंद्र यादव वो पीछे की तरफ लेट करके फायर कर रहा था, तो उसको ग्रेनेड का एक टुकड़ा लगा, यहाँ से उसकी उंगली कटी दूर जा करके पड़ी। वो एकदम से उसको आभास हुआ कि यार मेरा हाथ कट गया, बोला मेरा हाथ कट गया। मैं पीछे की तरफ देखा, मैं कहा नहीं यार हाथ नहीं कटा, बोला और, मैं कहा उंगली कटी है। उसको फर्स्ट एड दिया, फर्स्ट एड देने के बाद सभी ने बोला यार ऐसे कर तू अभी फायर तो कर नहीं पाएगा, तू नीचे की तरफ कूद और अपनी कहीं से दाएं बाएं से टुकड़ी को चढ़ाने की कोशिश कर। बोला नहीं नहीं मैं नीचे नहीं जाऊँगा। हम तो बिल्कुल नए जवान थे, 2.5 साल की सर्विस थी, 19 साल की उम्र थी, कोई अनुभव नहीं था, सिर्फ किताबों में अभी स्कूल में पढ़ कर के आ रहे थे कि यार एक सैनिक दूसरे के लिए अपने आप को कुर्बान कर देता है, आज तो देखने को मिल रहा था। हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा की ये ताकत थी, शक्ति थी। तभी क्योंकि हमारी LMG बिल्कुल साइलेंस हो गई, उसकी बैरल डैमेज हो गई, अभी दूसरी बैरल उसके ऊपर जो है लगा रहे थे, तब तक एक स्नाइपर थी हमारे पास, तो स्नाइपर को उन्होंने निशाना बनाना शुरू कर दिया, तो 3 तरफ से उसके ऊपर फायर आ रहा था। एक मेरा ट्रेनिंग का साथी था गनीड अनंतराम, जो हम रूममेट थे ट्रेनिंग के, तो हमको एकदम से प्लेटून हवलदार ने बोला कि तुम दौड़ करके उसके पास जाओ। जैसे मैं वहाँ से हरकत किया तो उनको मेरा मूवमेंट दिखाई दिया कि हाँ यहाँ से कोई बंदा यहाँ से गया है, सीधा जैसे उसी मूवमेंट के ऊपर फिर उन्होंने ग्रेनेड फेंका, तो ग्रेनेड का जब एक टुकड़ा आकर के मेरे घुटने के नीचे लगा, तो जैसे मैं खड़ा था खड़े के खड़े नीचे गिर गया। मुझे ये आभास हुआ कि यार घुटने से पैर कट गया। कुछ देर के बाद एकदम से मैंने ऐसे हाथ मारा तो मगर नहीं पैर तो है, मैं खुद फर्स्ट एड करने लगा। हमें अपने जो है जो भी काम मिला, जो भी काम मिलता है उस काम के अंदर एक अपना मन लगा करके, पूरा एफर्ट लगा करके हम अगर उस काम को करते हैं, चाहे हमारे शरीर की शक्ति उसमें पूरी छीण ख़त्म क्यों ना हो जाए, लेकिन आस्था अगर उस काम के प्रति बनी हुई है तो उस शरीर के अंदर ईश्वरीय शक्ति संचारित होती है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब वहाँ पर लोग मेरे साथ ही एक एक करके मेरे से जुदा हो रहे थे, मुझे इतना सब कुछ हो गया, मेरे जो है पैर लगा कि पैर कट गया है, मैं खुद फर्स्ट एड करने लगा, तभी फर्स्ट एड कर ही रहा था कि एक और ग्रेनेड का टुकड़ा आया, यहाँ से ये पूरा काट दिया। इसको कटने के बाद तो मुझे मेरा चेहरा बिल्कुल सुन्न हो गया, मुझे लगा कि यार आँखें नहीं हैं अभी, क्योंकि दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गया था। और जब आँखें खुली तो देखा ऊपर से नीचे तक लहू लुहान और नाक से खून की धार बह रही थी। वहाँ पर उनका स्लीपिंग बैग था, उससे काफ़ी देर तक ब्लड साफ किया लेकिन खून बंद नहीं हुआ। लेकिन जब खून में फिर भी, क्योंकि एक जुनून था अपने साथियों के लिए, अपने देश के लिए, अपनी सेना के लिए कुछ कर गुजरने का, फिर भी मैं आगे बढ़ा, अपने उस साथी के पास गया जिस साथी के लिए मुझे भेजा गया था।
तो मैं पहाड़ी से ऐसे पीठ लगा करके ठीक हम आमने सामने बैठे हुए थे। मैं उनको बोला फर्स्ट में, मैं कहा सर आप ऐसे कर दीजिए फर्स्ट एड कर दीजिए थोड़ा सा। उन्होंने बोला नहीं 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 ऐसे कर पहले फायर कर। तो मैं फायर करने लगा, कुछ देर के बाद मैं देखता हूँ कि उन्होंने अपनी फील्ड पट्टी जैसे निकाली, उसके से पॉलोथिन फाड़ने के लिए यहाँ तक उनका हाथ पहुँचा था, उनको यहाँ पर गोली लगी। और इस तरह से करके पीछे की तरफ लेटते चले गए। मैं हाथ पकड़ा लेकिन एक शब्द भी तो नहीं बोले। मेरी बगल में ऐसे बैठा हुआ था मेरा जो ट्रेनिंग का साथी था, मैं उनको बोला यार अनंतराम सर को तो गोली लगी है क्या? बस वही शब्द बोल पाया, उसको आकर के सीने में ब्रश लगा, वो भी आकर के मेरी तरफ लेट गया। प्लेटून हवलदार को बोला सर दोनों बंदों की गोली लगी है, कैसे हैं दोनों के दोनों? सब शहीद हो गए। बस इतना ही मैं बोल पाया, तभी आकर के इस तरह से हमको घेर लिया। और वो एक ऐसा पल, ऐसा मंजर कि एक ही पल के अंदर सब कुछ खत्म हो गया। जिन साथियों से एक पल पहले मैं बात कर रहा था अभी कोई नहीं बात करने वाला। उनको भी लगा कि यार इनमें सब ये मारे जा चुके हैं। तो उनके कमांडर ने बोला इनको रीचेक करो, इनमें से कोई जिंदा तो नहीं। तो आकर के एक एक को गोलियां मारने लगी। तो एक डेड बॉडी मेरी ठीक सामने थी, एक मेरी बगल में थी मेरे साथी की। मैं इस तरह से पड़ा हुआ था तो बेहोश था, लेकिन इतना बेहोश नहीं हुआ था कि उनको देख ना सकूं, उनको सुन ना सकूं। देख सकता था, सुन सकता था। जब उसने सामने वाले को जो है उसके सीने में आकर के तीन तीन चार चार राउंड की जो है ब्रस्ट खींचे, तो डेड बॉडी ऐसे उछलती थी ऐसे ऊपर की तरफ। तो बगल वाले को मारा। मैं इस तरह से पड़ा हुआ चुपचाप पड़ा था अपने आप। उसने आकर के फर्स्ट में यहाँ पर मारी मेरे गोलियाँ। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से धुआं निकल रहा है। फिर उसने जांग में मारी, फिर नीचे पैर में मारी, तीन जगह गोली मारी। उस गोली की पीड़ा को चुपचाप पड़ा सहता रहा। जब वो गोली मार करके चला गया तो जब एक विश्वास पैदा किया अपने दिल के अंदर कि अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी, मेरा हाथ पैर दोनों ही काट करके क्यों ना ले जाए, मैं उफ तक नहीं करूँगा और मैं जिंदा भी रहूँगा। और वो विश्वास ही था कि आज मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ। तभी उनको तो यकीन हो गया कि इनमें से कोई जिंदा नहीं। फिर उनके कमांडर ने, जो पाकिस्तान का एक था उनका कमांडर था, उन्होंने हमारे एक नीचे पोस्ट था एमएमजी पोस्ट, उन्होंने उनका बेस कैंप था टाइगर हिल की बगल में मस्को वैली था, उसको मैसेज दिया कि यार नीचे जो हिंदुस्तान का एमएमजी पोस्ट है उसके ऊपर हमला कर दो। जब ये आवाज़ मेरे कानों तक लगी तो मुझे लगा यार आज तो मेरी पूरी टुकड़ी ख़त्म हो जाएगी। ऊपर इनका पोस्ट है, नीचे अगर इन्होंने हमला कर दिया बीच वाले मेरे साथी कहाँ जाएंगे? तब ऊपर वाले से एक ही प्रार्थना करी कि मुझे इतने जिंदा रख दे कि मैं अपने साथियों तक सूचना दे सकूं। अगर निस्वार्थ भाव है, सच्ची श्रद्धा है तो ईश्वर शक्ति भी साथ देती है। सभी के पास एक आंतरिक शक्ति है, जो इस धरती पर जिसने जन्म लिया है उसके पास एक ताकत है। बस उस ताकत को पहचानने की, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करने की ज़रूरत है। अगर एक इंसान अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा कर लेता है, एक डिटर्मिनेशन कर लेता है कि मुझे ये करना है, तो ऑटोमेटिक उसके अंदर एक मोटिवेशन आ जाता है। और मोटिवेशन तो वो ताकत होती है कि किसी भी परिस्थिति में किसी भी काम को पूरा करने के लिए वो हमेशा प्रेरित करती रहती है। और मोटिवेशनल, इससे बड़ा और मोटिवेशनल हो ही नहीं सकता कि हम तो ऐसी पावन मिट्टी, हिंदुस्तान की मिट्टी में हमने जन्म लिया है, जो वीर और वीरांगनाओं ने अपने खून से संचित सींचा है इसको, ऋषि मुनियों की मिट्टी है ये। इससे बड़ी और ताकत, इससे बड़ा और मोटिवेशनल हमारे लिए और कुछ हो ही नहीं सकता है। आत्मविश्वास और एक दृढ़ता ये थी कि जो मैं ये सोच रहा था कि यार मेरी आखिरी सांस तक मैं इस ज़मीन को नहीं छोड़ूंगा। तीन बार गोलियां मारी उसने, लास्ट उसने सीने पे भी गोली मारी। लेकिन जो अपने आप का जो समर्पण होता है, अपना समर्पण किसी चीज़ के लिए कर दीजिए तो जो समर्पण का जो भाव होता है वो आत्मा से परमात्मा का जुड़ जाता है, और वो फिर आपको ताकत देता है, वो आपको मरने ही नहीं देगा। तो शायद उसने जब गोली मारी तो यहाँ पर पर्स था, पर्स में भी गलट के 5-5 रुपये के सिक्के, और वो भी इकट्ठे कर दिए परमात्मा ने। लेकिन उस गोली के धक्के से तो मुझे आभास हुआ कि यार मैं मर गया हूँ। गोली तो अंदर नहीं गई लेकिन रिकोचिट होगी, लेकिन आभास हो गया कि मैं मर गया हूँ। उन्होंने जो पाकिस्तान के जो जवान थे उन्होंने हमारे साथ जो अमानवीय क्रूरताएँ की, जैसे बूट की ठोकरें मारना हमारी डेड बॉडियों के अंदर, हमें गालियाँ देना, बहुत कुछ उन्होंने किया। फिर लास्ट में उनके कमांडर ने बोला इनके वेपन उठा लो।
तो उनके एक जवान आया, दोबारा से जो है गोली मार रहा है, दूसरा वेपन उठा रहा है। फिर उसने वेपन जब उठाया तो यहाँ मेरी एक ही 47 ऐसे पड़ी हुई थी, उठा करके जब वापस मुड़ा तो मुझे अनकॉन्शियस हो गया था, मुझे लग नहीं रहा था कि मैं जिंदा भी हूँ। लेकिन जब उसका पैर मेरे पैर से शायद टकराया तो मुझे एकदम से लगा यार मैं तो जिंदा हूँ। तब एक ताकत अंदर से एकदम से आवाज़ आई कि यार अभी तक नहीं मरा तो अब मरेगा भी नहीं। मेरे पास एक हैंड ग्रेनेड बचा था, मैंने अपने धीरे से अपना हैंड ग्रेनेड निकाला, पिन निकाल करके उसके ऊपर ऐसे फेंक दिया तो कोट के अंदर जो हुड लगा हुआ था, हुड के अंदर वो ग्रेनेड गिर गया। जब वहाँ पे गिरा तो उसको लगा कि यार कुछ गिरा है, उसने पीछे की तरफ मुड़ करके देखा, पीछे तो कोई मूवमेंट था नहीं। तो जब तक वो ग्रेनेड को निकाल पाता ग्रेनेड फट गया। ग्रेनेड की फटते ही जो पाकिस्तान के दूसरे जवान थे उनमें एकदम से खलबली मची कि इनमें से कोई जिंदा है। कुछ बोले जिंदा नहीं, नीचे से फौज आ गई है, क्योंकि जिसने 3 बार गोलियां मारी हो कौन कह सकता है कि जिंदा होगा। वो एक मौका था मेरे पास कि मैं अपने देश के लिए, अपनी भारत माता के लिए कुछ विशेष कर गुजर जाऊं। मैं तुरंत उसकी राइफल को उठाने की कोशिश करी क्योंकि उसका पूरा सर उड़ गया और हमारे ऊपर आकर के गिरा पाकिस्तान का वो जवान। मैं उसकी राइफल को ऐसे पकड़ने की कोशिश करी लेकिन ये हाथ तो हिला ही नहीं, क्योंकि इस हाथ की हड्डी निकल के पूरी बाहर हो गई थी। एक हाथ से राइफल को उठाया, वहाँ से फिर एकदम से उनके ऊपर फायर खोला, 3-4 बंदे और उनके मारे गए। फिर इसी हाथ से पलटा खाया, दूसरे पत्थर से, तीसरे पत्थर से, जब 3-4 जगह से फायरिंग किया तो उनको लगा कि यार हाँ नीचे से रीइंफोर्समेंट आ गई है। फिर उनके हौसले परस्त हो गए, वो पैर उखड़ गए उनके और वहाँ से उनको भगा दिया। 3-4 मीटर तक रेंगता हुआ आगे गया तो देखता हूँ आगे जाने के बाद उनके सामने टेंट लगे हुए हैं, लंगर चल रहा है, उनके वेपन वहाँ पर डिप्लॉयड हैं। क्योंकि मुझे इतनी भी समझ थी कि अभी मेरे हमारी टीम के बाद दूसरी टीम आएगी अटैक के लिए, अगर उस टीम को जो है जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं दे सकता हूँ तो शायद उनकी कैजुअल्टी कम होगी। वो सब कुछ देखा और फिर एक पागलपन भी था, पागलपन था अपने साथियों को बचाने का कि मुझे नीचे जाना है, किसी भी हालत में नीचे पहुंचना है ताकि उनको सूचना दे दूं, उनके ऊपर हमला होने से पहले वो चौकन्ने हो जाएं, अपने आप को वहाँ पे बिल्डअप कर सकें। फिर मैं वापस मुड़ा, वापस मुड़ करके जब अपने साथियों के पास पहुँचा तो एकदम से लगा कि हो सकता है इनमें से कोई मेरा साथी जिंदा होगा। आकर के देखा तो किसी का पूरा सर फटा हुआ बाहर निकला हुआ था, किसी के पूरे फेफड़े बाहर निकले हुए थे। एक एक को गोद में रख करके सिर को बहुत देर बैठ करके रोता रहा, बहुत देर बैठ करके रोया और रोते रोते फिर अपने आप को संभाला। मुझे तो ये भी पता नहीं चल रहा था कि किधर हिंदुस्तान है किधर पाकिस्तान है, क्योंकि 2.5 साल की सर्विस थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था मुझे। बहुत देर संभालते रहे लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे जब गोली लगी हुई, बहुत टाइम हो गया था, शरीर के अंदर कंपन भी पैदा हो गई, ये लटक गया था टूट करके हाथ, इस हाथ को ऐसे बांधने की कोशिश करने लगा लेकिन ये बंद भी नहीं पा रहा था। ये सोचा कि यार कट गया, इसको तोड़ करके ही फेंक देता हूँ इससे अच्छा, क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था। इसको हाथ में झटका मारा, तोड़ने की भी कोशिश करी लेकिन टूटा नहीं। फिर इसको उठाया, पीछे बेल्ट में फंसाया कमर पे गिर के, फिर सोचता रहा कैसे करूँ क्या करूँ। तो एकदम से ऐसी आवाज़ सुनाई दी जिसने बोला बेटा इस नाले से नीचे की तरफ चला जा। मैं बिना कुछ सोचे समझे उस नाले से लुढ़क गया। वो लुढ़क करके जब नीचे पहुंचा तो एकदम ऐसे गड्ढा आ गया था, एक हाथ से पत्थर पकड़ करके लटका हुआ था। तब मुझे लगा यार मैं पाकिस्तान की तरफ आ गया हूँ। तो मैं देखा तो मुझे मेरे साथी नज़र आए, उनको मैंने आवाज़ दिया तो वहाँ से दौड़ करके आए। उन्होंने देखा कंडीशन कि बचेगा नहीं, मैं उनको बोला कि यार मुझे कुछ नहीं होगा, सिर्फ पोस्ट को बचा लो कैसी करके। ये दिन के 1-1.5 बजे का समय था, बिल्कुल मौसम साफ, धूप खिली हुई थी। सीओ को इन्फॉर्म किया गया कि सर इस तरह की कहानी हुई है। सीओ ने बोला इस लड़के को जल्दी से जल्दी मेरे पास पहुंचाओ। तो फर्स्ट एड तो दिया, सीओ के पास पहुंचा तो इतना खून ब्लड निकल चुका था कि मुझे दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गया था। सीओ ने बोला बेटा कुछ पहचानता है? मका साहब मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रही, सिर्फ आवाज़ सुनाई दे रही है। बोला मैं तेरा कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर, मैं जय हिंद साहब, बहुत तेज सर्दी लग रही है सर। तो उन्होंने जो अपना स्टोव जलवाए टेंट के अंदर लिटा करके, थोड़ी गर्मी महसूस हुई तो अभी धीरे धीरे जो जबान भी ऐंठने लगी थी बारूद की वजह से, मगर साहब पानी पिला दो। तो एकदम डॉक्टर साहब दौड़ करके आए, उन्होंने बोला बेटा मैं पानी पिलाता हूँ। तो उन्होंने एक ग्लूकोज की पूरी बोतल पिलाई, शरीर के अंदर थोड़ी सी और एनर्जी महसूस हुई।
तो बोले बेटे बता सकता है? मैं कहा हाँ सब बता सकता हूँ। तब ऊपर की तमाम इन्फॉर्मेशन उनको दिया, तो लास्ट में बोले बेटा ये बता जवान की रिक्वायरमेंट क्या है? मैं कहा जवान की रिक्वायरमेंट अमनीशन और फील्ड पट्टी की, बाकी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। बोला खाने के लिए नहीं चाहिए? एक बड्डी पेड़ के अंदर 72 घंटे से भी ज़्यादा का समय हो गया था, सिर्फ आधा बिस्कुट का पैकेट खाया था, आधा तो बैलेंस ही था। मैं कहा सर भूख ही नहीं लगती। अभी मैं 26 जनवरी पर हर साल जो है अपनी परेड को लीड करते हैं हम, एज ए परमवीर चक्र सारे जो इतने भी हैं, आज भारत के अंदर 3 ही परमवीर चक्र हैं जो जीवित हैं, वो तीनों के तीनों जो है परेड को लीड करते हैं। जो कल का भारत है वो युवा भारत है, और युवा भारत वो भारत की ताकत है, और वो ताकत जिस दिशा में भी बढ़ेगी हमारा देश उस दिशा में ही बढ़ेगा। उस देश की दशा और दिशा को बढ़ाने में जो हमारी युवा ताकत है उसका बहुत बड़ा योगदान है। हम ऐसा भारत, हम ऐसा कल भारत, जो कल का भारत हम ऐसा देखना चाहते हैं कि जो हमारा युवा है उसके जो अंदर एक स्ट्रांगता होनी, एक ताकत होनी चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए अपने देश के लिए, अपने कार्य के लिए। जो भी हम काम करें, जरूरी नहीं कि सेना में राइफल लेकर के बॉर्डर पे खड़ा होकर के ही राष्ट्रभक्ति होती है। जरूरी है कि जिस हम क्षेत्र में काम करते हैं, हर एक क्षेत्र एक युद्ध की तरह होता है, हर एक काम एक युद्ध की तरह होता है, और युद्ध में जीत उस सैनिक की होती है, उस योद्धा की होती है जो उस युद्ध को बखूबी समझ करके उसके पहलुओं को रिसर्च करे, उसके ऊपर गहराइयों को सोचे, उसकी कमजोरियों को पता करे, और उन कमजोरियों के ऊपर हम वार करेंगे तो हम आसानी से जीत हासिल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर भी किसी भी सेक्टर में रह करके जो हमारा एक युद्ध चलता है, एक सुबह हम सुबह उठने से लेकर के शाम के सोने तक डेली का जो एक युद्ध है, युद्ध क्षेत्र है ये, इस युद्ध क्षेत्र में हम जीत कैसे हासिल करें। मैं अपने युवा को बताना चाहूँ कि वो युवा वो देखे कि मेरा काम जो मैं कर रहा हूँ उसमें अपना बेनिफिट नहीं, मेरा देश का बेनिफिट क्या है, मेरे देशवासियों का जो है बेनिफिट क्या है। क्योंकि हम दूसरों के लिए समर्पण की भावना हमारे यूथ में होनी चाहिए, अपने लिए नहीं। क्योंकि जो अपने लिए समर्पण होता है वो स्वार्थ आ जाती है, स्वार्थ। और हिंदुस्तान का युवा हमेशा निस्वार्थ होना चाहिए। मैं ऐसे कल के भारत का जो है निर्माण चाहता हूँ, मैं ऐसा भारत देखना चाहता हूँ कि हर एक युवा जिसमें निस्वार्थता, त्याग, उसमें एक आत्मविश्वास से परिपूर्ण हो, भरा हुआ हो, उसमें राष्ट्रभक्ति हो, अपने प्रेम, एक राष्ट्र का प्रति प्रेम हो। क्योंकि प्रेम बहुत बड़ी ताकत होती है जो इंसानों को एक साथ जोड़ती है, और एक उस जोड़ से एक बहुत महान शक्ति बनती है जहां हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो ऐसा भारत चाहिए, ऐसा युवा चाहिए मुझे भारत का। सेल्फलेस इंडिया, टुमारोज इंडिया, टुमारोज इंडिया, लेट्स स्टार्ट विद आई। सुविंदर जोगिंद्रा जिन्होंने अपनी जो कारगिल की जो स्टोरी थी सुनाई है, और यकीन माने रोंगटे खड़े हो गए जिस तरह जो आर्मी का बंदा फील करता है। और उन्होंने जिस तरह सुनाया है कि किस तरह वो जो अपने साथ के अपने बैच के लड़के होते हैं या जो भी जवान होते हैं, जब उनकी अपनी आंखों के सामने मौत देखनी होती, कितना, और सिर्फ मौत नहीं दर्दनाक मौत, मतलब कि उनकी इज़ा बॉडी का फट जाना, अंदरूनी इज़ा का बाहर निकल आना। लेकिन ये जंग का माहौल जब होता ना, ऐसी चीजों से जज्बा भी बढ़ता है फिर उसकी, वो बदला लेने के लिए या कंट्री को बचाने के लिए बढ़ता है। लेकिन ये कि इंसान कमजोर भी होता है, कमजोर हो जाता है, डर भी पैदा होता है, कई बंदे डर भी जाते हैं। क्योंकि ना
आपके सारे ही साथी जब शहीद हो चुके हों, एक पट्टी निकाल रहा है उसको गोली लग जाती है, दूसरा बो रहा है बात कर रहा है वो भी मौके पे शहीद हो गया, तो इसका मतलब कि वो हाइट पे बैठे थे और उनको सारा कुछ नजर आ रहा था। वो ऊपर वाली छावनी पर थे ना, ये थोड़ा सा नीचे, लेकिन यहाँ पे बात समझ नहीं आई कि एक जब यहाँ पर ये बैठे थे साफ जा रहे, ये पीट कर कैसे बैठे थे पहाड़ की तरफ, तो उन्होंने गोली दूसरी साइड से खड़ा होकर मारी होगी, हो सकता है उन्होंने ग्राव कर लिया, वो देख रहे थे इनको वहां से ये भाग कर उन दो के पास गए थे, जैसे इनकी ये हरकत हुई तब उन्हें दिखाई दिया और इनकी इसी हरकत की वजह से वो दूसरे दो जो साथी हैं वो भी शहीद हुए। लेकिन मुश्किल वाली बात तो ये है कि इतनी हाइट के ऊपर जाना और 21-22 दिन चलते रहना और फिर सर्दी थी। असल में इसके अंदर इस भाई साहब के अंदर जो है ना जो भी जज्बा है अपनी कंट्री को लेकर, वो देख लो 72 घंटे हो चुके, आधा बिस्कुट उससे गुजारा कर, आधा बिस्कुट का पैकेट ठीक है, और ऐसा ऐसा ऊपर चढ़ रहे हैं, ऊपर वाले जो जवान है ना उनकी हेल्प के लिए जा रहे हैं, उसी में वो शहीद हो गए, और जिस तरह उनको उनकी डेड बॉडी को खतरनाक यार गोलियां लगाई गई, नीचे की तरफ आ रहे हैं, इनको भी 3 मर्तबा गोली लगाई, ये तो इनके नसीब अच्छे के वो सिक्के थे पॉकेट में जिसकी वजह से, अब वो ना कहते हैं कि ऊपर वाले ने बचाना तो भाई साहब के ही बहाने लग जाते हैं, और भाई की हिम्मत की दाद इसलिए देता हूँ कि भाई गोली लगने से लाश दहर किया, हड्डी निकल गई है, टांग पे गोली लगी हुई है और मुश्किल जख्मी पूरी बॉडी, और बादरी की मिसाल देख लो वो जब ग्रेनेड निकाल नाक फेंका, नाक भी कटा हुआ है, ये तो यहाँ पर निशान दिख रहा था, टांग का और बाजू तो नहीं दिखा, लेकिन जो नाक का जो जख्म बता रहे थे ना लगी थी चोट, उसका जख्म दिख रहा था, और ग्रेनेड भाई खतरनाक तो होते ही है जिस तरह वो बता रहे, जो अपने वाला उसका पिन निकाल का नहीं, वो पाकिस्तानी नौजवान उसके वो पीछे वाले जो बो रहे हैं वो होड़ के ऊपर बैठ गया, उससे वो फट गया, वो सिर भी उसका उतर गया, लेकिन उसकी राइफल उठाकर दूसरे के ऊपर हमला करना देख एक हाथ से कितनी बड़ी बहादुरी है भाई। जवानों में यही तो बात है कि जवान जो है ना जब हड्डी टूटी है उन्होंने कहा कि भाई तोड़ने की कोशिश की कि ये मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं था खींचा, सही बात कि टूट जला था, अपने आप से फर्स्ट एड करना यार, ये भाई तो हम उस जख्म को देख भी नहीं सकते, ज्यादा तकलीफ या बंदा ना घबरा जाता है, होता है भी भाई साहब वतन से मोहब्बत होती है जिसके इतने टाइम को खून सारा बह गया भाई साहब, दिखाई देना बंद हो गया, खून इतना बह चुका था, कोई चांसेस ही नहीं थे इनके जिंदा रहने के, ये इसलिए तो परमवीर चक्र मिला है, परमवीर चक्र इनको मिला है, जरूर बताएगा कमेंट सेक्शन में, मेरे ख्याल में इनको ही मिला है, क्योंकि जो बता रहे थे कि ये परेड करवाते हैं तो 3 जो लोग हैं वो जिंदा है, तो मतलब जो जिंदा है उनमें उनके पास है परमवीर चक्र, तो ये बहादुरों को भाई मिलता है उनकी बहादुरी का ये मेडल, एक आम बंदे के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन जो जहाँ से ये निकल कर रहे हैं इनके लिए वो बहुत मायने रखता है, और ये मैं कहता हूँ पूरी कौम की इज्जत इनके हाथ में होती है, ऐसी बात इन जवानों के इज्जत और सिक्योरिटी जी दोनों ही, तो ये वो जवान होते हैं, ऐसी माओ को भाई सलाम है कि जो ऐसे जवान पैदा करती हैं और इनको जिगरा करके बॉर्डर पे भेज देती हैं, बिल्कुल ये जब जा रहे थे ना बॉर्डर पे तो माओ के कलेजे फट जाते हैं भाई, लेकिन फिर भी वो रोकती नहीं क्योंकि देश की तो भाई जवानों के लिए भाई सल्यूट ही है जी, जो भी जिस आर्मी में है वो उसका मकसद होता है कि वो अपने कंट्री की सरहदों की हिफाजत करे, और वो अपनी जान की भी बाजी लगाने से कतराता नहीं, सही बात है, वो पाकिस्तानी चलो उनका मकसद था कि भाई कब्जा करेंगे, लेकिन वो जो जवान थे वो भी अपनी आर्मी को सर्व कर रहे थे और उनकी भी जाने गई, इधर से भी जाने गई उधर से भी जाने गई, लेकिन यह है कि जो अगर एक मैं कहता हूँ रिस्पेक्टफुल कंट्री हो या कोई बंदा भी हो तो जो मुआहदे होते हैं ना उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सही बात, वो कह अक्सर ना पंजाबी में कहते हैं व्यार बड़ी छ है, तो ये जो भरोसा है ना भरोसा बड़ी चीज है भाई, कि आप कम से कम आप इतनी वैल्यू बना रहे कि लोग आप पे भरोसा कर लें, सही बात, तो पाकिस्तान जो है ना मैं
कहना नहीं चाहता लेकिन फिर भी है यार कि जितनी दफा भी इंडिया ने सीज फायर किया है ना उससे मतलब कुछ हालात ठीक है नहीं तो आए दिन एलओसी पर कोई कोई ना कोई जितनी दफा भी अटल जी आए पीएम मोदी आए अटैक उतनी मरतबे उन्होंने चढ़ाई की तो ये भरोसा इत्माद नहीं है भाई इत्माद कर भी नहीं सकता तो इत्माद जो है वो बनाना चाहिए पाकिस्तान को के फिर भी ताकि जो है वो नॉर्मल हो जाएगी लाइफ तो भाई साहब दोनों कंट्रियों के लिए आसानी हो ये जो जाने गई हैं ये भी भाई माओ के लाल हैं जी बिल्कुल जिन्होंने बचपन में दूध पिलाया फिर उनकी उंगली पकड़ के उनको चलना सिखाया ये ऐसे नहीं आ जाते ये कोई मशीन नहीं के दो चार दिन में बन जाती है 24-25 साल माँ बाप अपने बच्चों को पालता है उसकी एजुकेशन जी उसकी देख रेख खर्चे बहुत नखरे भाई साहब माओ के लाल होते हैं जो वो बॉर्डर पर भेज देते हैं और उनको एक ही गोली में खत्म तो ये इन बड़ों को सोचना चाहिए जंगों से कोई हाल नहीं है सियासत और सियासत और ये बॉर्डरों के लालच में देख रहे लोगों ने कितने मासूम लोगों की जान जाती है भाई साहब आर्मी का जवान जो है वो भी तो मासूम है सही बात वो भी माओ का लाल है उसकी जान क्यों जाए तो कोशिश करनी चाहिए हमारी हुकूमतों को ये जंगे ये जो जितनी लड़ी है कितने हजारों मर्द मरे हैं पाकिस्तान की तरफ से भी इंडिया की तरफ से एक तो पैसे का ज्या जान का ज्या तो इससे अगर बचत हो जाए तो किसी ना किसी तरीके जो भी बातचीत है वो बैठ के सॉल्व हो जाए तो वो अच्छा वो ज्यादा बजाय लड़ने की लेकिन इसमें इंडिया का तो कसूर मैं गिनता नहीं क्योंकि है भी नहीं क्योंकि जब जंग जो है हर बार शुरू की है तो वो पाकिस्तान ने की है तो ठीक है भाई अपनी रुकते कमेंट सेक्शन में मिलते नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए इजाजत दें अल्लाह हाफिज़।